गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय एजुकेशनल चैनल मासूम ट्यूटोरियल्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट कॉमन नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला है एन-ब्यूटाइल। एन जो वर्ड है वो एक्चुअल में स्टेट चेंज को डिनोट करता है ना। ब्यूटेन मींस ब्यूटाइल जो है ब्यूटेन से बना हुआ है। ब्यूटेन में चार कार्बन होते हैं। एन जिस कंपाउंड में भी एन वर्ड लग जाए उसका मतलब होता है स्टेट चेन का कंपाउंड वो होता है। जैसे अगर एन प्रोपाइल हो तो एन प्रोपाइल अगर रहेगा तो CH3, CH2, CH2 ऐसा होगा, ये एन प्रोपाइल हो जाएगा, है ना। तो एन ब्यूटाइल, एन प्रोपाइल, एन पेंटाइल ये सभी जो है स्टेट चेन होते हैं, सिर्फ उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है अलग होगा, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर और चीज क्या पूछता है, जैसे एन ब्यूटाइल क्लोराइड अगर हो, एन ब्यूटाइल क्लोराइड मीन्स यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ रहेगा तो ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल क्लोराइड। उसी तरह अगर एन ब्यूटाइल एल्कोहल हो तो इस जगह OH लगा हुआ मिलता है। तो इस तरह हम लोग अलग अलग इसका नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है सेकेंडरी ब्यूटाइल या सेकेंड ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो जो भी ग्रुप लगेगा उसके लिए ये जो है सेकेंड डिग्री का कंपाउंड होगा। जैसे यहाँ पर अगर एक हाइलोजन लग जाए तो ये सेकेंड डिग्री का हाइलोजन होगा, है ना। कैसे, तो हाइलोजन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन एक ऊपर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, तो दो तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। हाइलोजन रहेगा तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल हेलाइड्स बोलेंगे। अगर यहाँ पर क्लोरीन होगा तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे। अगर यहाँ पर OH होगा तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे। उसके बाद टॉट ब्यूटाइल। टॉट ब्यूटाइल मीन्स यहाँ पर अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा तो ये थर्ड डिग्री का ये अगर यहाँ पर हाइलोजन जुड़ेगा तो ये थर्ड डिग्री का हैलाइड हो गया। अगर यहाँ पर OH जुड़ेगा तो थर्ड डिग्री का अल्कोहल होगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम है टॉट ब्यूटाइल। टॉट मीन्स टर्शियरी से टॉट वर्ड लिया गया है। ये थर्ड डिग्री का कैसे है तो देख लेते हैं। जैसे ये अल्कोहल अगर इससे जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन जो है कितना और कार्बन से जुड़ा है, 1, 2, 3, इसलिए थर्ड डिग्री का अल्कोहल हो गया अगर OH लगा हुआ रहेगा तो, और इसलिए इसका नाम है टॉट ब्यूटाइल। यहाँ पर OH रहेगा तो टॉट ब्यूटाइल अल्कोहल, X रहेगा तो टॉट ब्यूटाइल हैलाइड, इस तरह नाम करते हैं, इसका नेमिंग करते हैं। अब फोर्थ में है आइसो ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल मीन्स ब्यूटाइल का मतलब चार कार्बन होना चाहिए। आइसो आइसो मतलब होता है सेम। इसमें देखेंगे कि इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे और इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी आ सकते हैं तो ये हो जाएगा ब्रांच में मिथाइल, और अगर ऐसे नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा ब्रांच में मिथाइल, मतलब दोनों तरफ से सेम जैसा स्ट्रक्चर होगा, तो इसलिए इसका नाम है आइसो, दोनों तरफ से सेम स्ट्रक्चर। और चूंकि इसमें चार कार्बन है इसलिए नाम है आइसो ब्यूटाइल। सेम यहाँ पर भी अगर क्लोरीन रहेगा तो इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ पर अगर OH होगा तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, इस तरह नेमिंग होगा इसका, ठीक है। और ये है लास्ट आइसो प्रोपाइल। आइसो प्रोपाइल मीन्स इधर भी देखेंगे तो ऐसे ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं और ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, तो दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम है आइसो प्रोपाइल, ठीक है कि नहीं। और ये जो है यहाँ पर हैलोजन लग सकता है तो आइसो प्रोपाइल हैलाइड्स। हाइड्रोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो इसके अनुसार इसका नेमिंग होगा। अगर यहाँ पर OH लगा हुआ होगा तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है कि नहीं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है सैनिटाइजर में यूज किया जाता है, आप देखे भी होंगे सैनिटाइजर में कंपोजिशन लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है इसका, हम ये नेमिंग दिया हुआ है ना। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें IUPC कॉमन नेम भी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर कॉमन नेम का यूज किया गया है और इसका हमें स्ट्रक्चर बताना है ना। इसका तरीका क्या है स्ट्रक्चर लिखने का, कि सबसे पहले देखेंगे कि लॉन्ग चेन क्या है। तो लॉन्ग चेन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हेप्टेन लिखा हुआ है। हेप्टेन का मतलब होता है 7 कार्बन, है ना। हेक्सेन होता तो 6 कार्बन होता है, हेप्टेन मीन्स 7 कार्बन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्केलेटन बनाएंगे, मतलब सिर्फ कार्बन को दिखाएंगे। तो 7 कार्बन है तो 7 कार्बन पहले बना लेंगे, 3, 3, 6, 7 हो गया, है ना। हम लोग जानते हैं कि सभी कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसकी तरह हम लोग इस तरह इसको लिख सकते हैं, ये हो गया। अब 4 नंबर में टॉट ब्यूटाइल। तो टॉट ब्यूटाइल का मतलब यही वाला चीज हुआ, है ना, ये टॉट ब्यूटाइल है, तो इसी को हमें 4 नंबर कार्बन के साथ लगाना है। ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर।
फोर नंबर का सात तो आठ ब्यूटाइल है, मतलब इसको जो है यहाँ पर लिखना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं सी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड है ना, इसके साथ इधर सी एस थ्री, इधर सी एस थ्री, इधर सी एस थ्री, तो फोर नंबर टॉट ब्यूटाइल हो गया। थ्री नंबर में आयोडो है, थ्री नंबर में आयोडीन जुड़ा हुआ है, और उसके बाद हेप्टेन है, मतलब सभी जगह क्या कर देना है हमें हाइड्रोजन लगा देना है, तो इस तरह इसका नेमिंग होगा, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है कॉमन नेम का भी यूज किया गया है और आईयूपीएसी नेम का भी यूज किया गया है, तो इसलिए ये सभी जो है कॉमन नेम को जानना जरूरी है।